नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं मैनपाल कश्यप। इस समय इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं आज शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का यहां आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि सभी जो ब्लड देने वाले हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी के लाइव पेज पर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं अमन विर्क हैं, आइए उन्हीं से खास बातचीत करते हैं। अमन जी, सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं इकबाल जी, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस के अवसर पर इंद्री मंडल के युवा मोर्चा टीम, शिव कुमार कश्यप जी की टीम ने, पूरी ने, साथियों ने, युवा साथियों ने इंद्री के अंदर जो बीडीपी ऑफिस के अंदर ब्लड शिविर लगाने का काम किया। आज जो शहीदी दिवस पर आज उन्होंने ब्लड लगाकर उन सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो काम किया, ताकि आज युवाओं के अंदर एक ऐसा जोश है कि अच्छे अच्छे कार्य करके जो समाज को एक शिक्षा देने का काम करें, चाहे वो ब्लड डोनेट कैंप हो या पौधारोपण की बात हो या समाज के अंदर जो पीछे कोरोना जैसी महामारी में हमारे लाखों परिवारों से मतलब जो मुसीबत आई और कहीं सिलेंडर की, ऑक्सीजन की, और यहाँ जो परिवार में क्षति हुई उसमें भी, और जहाँ किसी को भोजन की ज़रूरत हो या कहीं को यहाँ से इधर से अपने दूसरी स्टेट में जाने में वहाँ भी जो मदद की, वो हमारे युवा साथी हर समय तत्पर रहे हैं। इसी प्रकार आज इन्होंने आज इस बलिदान दिवस पर जो शिविर लगा कर ये ब्लड डोनेट 150 यूनिट यहाँ पर डोनेट करने के लिए हल्के से कार्यकर्ता और सामाजिक लोग पहुँचे। बिल्कुल, जिस तरीके से ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगाए जा रहे हैं, इससे क्या प्रेरणा युवाओं को मिलती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेरणा युवा के अंदर एक देखो, ब्लड डोनेट करने से एक हमारे जो शरीर के अंदर एक तो हमें जो भी कोई भी हमारे ब्लड के माध्यम से हमें पता लगता है हमारे शरीर के अंदर किसी चीज़ की कमी है या कोई हमारे कुछ बीमारी या कोई डिजीज़ है उसका भी पता चलता है। और हमारे शरीर के अंदर जैसे ज़्यादा ब्लड होने से जो गाढ़ापन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसका भी बेनिफिट मिलता है, और इससे स्वस्थ इंसान स्वस्थ रहता है। और जैसे ही युवा साथी ऐसे ही कार्य करते हैं, जैसे और समाज के अंदर अच्छा मैसेज जाता है कि हम आगे बढ़कर समाज के प्रदेश के लिए काम करें। बिल्कुल, और भी युवा साथी हैं हमारे साथ। शिव कुमार जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी टीम का काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें सहयोग रहा। उन्होंने ही आज ये जो शहीद उधम सिंह का जो बलिदान दिवस है उसी के अवसर पर आज जो ब्लड कैंप लगाया गया उसको लेकर उनका क्या कहना है जी? आज हमने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए आयोजन किया गया क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए हमें बहुत क्षति हुई है, और हम इस आयोजन को 3-3 महीने बाद करेंगे, हर मंडल में करेंगे। सबसे पहले मंडल की यहीं से शुरुआत की है। हमारे लोकसभा में 17 मंडल हैं। दूसरा कैंप हमारा 1 तारीख के लगभग 1 सितंबर को कुंज पर भी लगेगा, और हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से हमारा लक्ष्य था कि 150 यूनिट लेके चले, मगर हम सोच रहे हैं कि उससे प्लस जाएगी हमारी यूनिट। तो आज टोटल कितना यूनिट अभी ब्लड निकल होगा? अभी तक हमारी 85 हो गई है। अभी तक 85 जो ब्लड है वो यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। और भी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से इस तरह के जो कैंप लगाए जाते हैं, समाज को जागरूक किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हैं जिनमें लोगों की भलाई के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और इसमें 85 यूनिट हो चुकी हैं और 150 के आसपास का टारगेट है, तो इससे जो आम पब्लिक है जिसको ब्लड की कमी रहती है, जैसे इस महामारी में हर टाइम ब्लड की जरूरत रहती है, तो लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम हो सके और किसी को दिक्कत ना आए। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों? हम अपील यही करना चाहेंगे कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिल्कुल, ये थे बीजेपी कार्यकर्ता, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज शहीद उधम सिंह बलिदान का दिवस है, उसके अवसर पर आज इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 80 के करीब यहाँ पर लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि युवाओं को ऐसे कार्यक्रम करने से प्रेरणा मिलती है, ज़्यादातर युवाओं को ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। मेरे सहयोगी पंकज के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।